प्रयागराज पुलिस को आज भी बदमाशों को पकड़ने में एक और कामयाबी मिल गई। दरअसल थरवई में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देने वालों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। जांच में साफ हुआ कि ये वारदात शाहजहांपुर के बदमाशों ने की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश नवाबगंज इलाके में है। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और चार लोगों को मौके से पकड़ लिया, जबकि एक महिला भी इस केस में पकड़ी गई है। वहाँ पे हमारी पुलिस टीम के सामने ये चार बदमाश पड़े जिनके द्वारा पुलिस टीम पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई और अपने बचाव में पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायरिंग में दो अभियुक्त जिनका नाम धीरेन्द्र उर्फ लड्डू है और कुशल पाल उर्फ कृष्ण है वो चोटिल हुए। उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष दो और अभियुक्त जो वहाँ पे उस समय पे मौजूद थे उनका नाम है नन्हे उर्फ जयराम और दयाराम। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों के निशानदेही पे उससे कुछ दूरी पे इन्हीं के परिवार की महिलाएं जो इनके साथ साथ डेरे में साथ साथ मूव करती हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे बरामदगी हुई है जिसकी सूची आपको दे दी गई है। पकड़े गए बदमाश पेशेवर अपराधी हैं। ये आधी रात के बाद आउटर के इलाकों में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे और थरवाई के हेतापट्टी में भी इन्हीं लोगों ने लूट और हत्या की थी। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की रकम और जेवरात भी बरामद हुए हैं। ये केस पुलिस के लिए काफी चुनौती बना था, जिसे पुलिस टीम ने कमिश्नर रमेश शर्मा की अगुवाई में सॉल्व कर लिया।